दतिया में क्या कमी है, इस बार स्वच्छता में नंबर वन पर रहेगा दतिया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 को लेकर स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम के दौरान दतिया कलेक्टर संजय कुमार ने कचरे पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान खेल प्रतियोगिता के माध्यम से कचरे से स्वच्छता जागरूकता संबंधित जानकारी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। साथ ही दतिया कलेक्टर संजय कुमार ने दतिया को लेकर रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि दतिया में क्या कमी है, आगामी समय में दतिया स्वच्छता के मामले में नंबर वन होगा, जिसके लिए नगरीय निकाय संस्था निरंतर कार्य कर रही है, जैसी महत्वपूर्ण बात कही। साथ ही दतिया जल्दी ही दतिया स्वच्छ शहरों की श्रेणी में शामिल होगा। इस दौरान दतिया कलेक्टर इस कार्यक्रम में भूमिका निभा रहे लोगों का उपहार देकर सम्मान किया। इस दौरान कलेक्टर संजय कुमार के साथ दतिया SDM ऋषि सिंघाई, नगरपालिका CMO अनिल दुबे, अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। दतिया में क्या कमी है, दतिया वासियों को भी हक है नंबर वन बनने का, प्रयास तो करेंगे। अभी तो ये जो स्वच्छता सर्वेक्षण का जो ये दौर है, अभी ये मार्च तक होगा, इसको हम लोग अर्बन जो हमारे नगरीय निकाय है उसी में हम इस प्रतियोगिता का सामना कर रहे हैं। और हम न केवल दतिया को बल्कि दतिया जिले के सारे नगरीय निकाय हम इसके लिए तैयार कर रहे हैं, इसकी रोज तैयारी चल रही है। ये जो हम लोग नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं ये तो बहुत छोटा सा पार्ट है। इस प्रकार की जब आप पूरी तैयारी का जायजा लेंगे तो इस प्रकार के सैकड़ों एक्टिविटी हो रहे हैं, कुछ जो है वो डॉक्यूमेंटेशन का हो रहा है और कुछ जो है वो दतिया में वास्तव में स्वच्छता के जो तस्वीर है उसको बदलने का हो रहा है। कई जगह पे सफाई हो रहा है, कई जगह सफाई के संसाधन को बढ़ाने की बात हो रही है, कई जगह पे हम सौंदर्यीकरण का काम कर रहे हैं और कुल मिलाकर के आपने देखा भी होगा कि दतिया की तस्वीर धीरे धीरे बदल रही है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।